रुक सर, एक मिनट, इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। मुझे पेन दीजिएगा। जी अच्छा, ये लीजिए सर। मैं ये थोड़ी देर में साइन कर देता हूँ। ओके ठीक है। मिस नर्स, सिग्नल कैच करने की कोशिश कर रही है। अरे नहीं, मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। कितनी अजीब बिल्डिंग है ये दुरुक, दो घंटे से ढूंढ रही थी, मिलके ही नहीं दे रही थी। अच्छा, तुम कुछ पेपर्स हॉस्पिटल में भूल गए थे, मैंने सोचा तुम तक पहुंचा दूं ताकि तुम्हें बाद में परेशानी असली ये हो। पेपर मेरे किसी काम के नहीं, इतनी परेशानी उठाने के लिए माफी चाहता हूं। मिलने का कोई बहाना समझ में नहीं आया। क्या मतलब है? क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया? तुम अपने होश तो नहीं गवा बैठे? अरे नहीं असली, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और हाँ, जब तक तुम मेरे साथ लंच नहीं कर लेती तुम नहीं जा सकती। शुक्रिया, लेकिन मैंने तो अभी कुछ देर पहले ही पास्ता खाया है और अभी मैं ऊपर जाकर हयात के साथ कॉफी पीऊंगी। किसी और दिन सही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर बहुत सख्ती है और ये वक्त मिस हयात के काम करने का है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। मैं उससे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। ये नामुमकिन है। यहाँ तक आई हूँ, हाय तो कहने दो। पत्थर कहाँ मिलेगा मुझे? उसे बिल्डिंग की खिड़की पे मार के शीशा तोड़ दूंगी तो कम से कम वो मुझे ऊपर से देख तो लेगी ना। और याद रखो, ना सिर्फ वो बल्कि पूरा ऑफिस जमा हो जाएगा। कैसी जगह है ये जहाँ 2 मिनट के लिए कोई मिलने आए तो उसको मिलने नहीं दिया जाता? क्या जुल्म है। लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं। असली मुझे बहुत मजा आता है जब मैं तुम्हें तंग करता हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बार बार तंग कर सकते हो दुरु, और मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, यकीन करो। लेकिन एक बात भूलना नहीं, लिमिट में। मैं वैसे भी नहीं करूंगा तंग। क्यों? आज मेरा आखिरी दिन है इस कंपनी में, क्योंकि मुझे हमेशा के लिए मलेशिया जाना होगा अपने नए स्टोर के लिए। अच्छा, तो जा रहे हो तुम। वैसे तुम मुझे मैसेजेस और लेटर्स में भी तंग कर सकते हो दुरुक। ये मुमकिन है, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी। ये तो है, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा दुरुक, परेशान मत हो प्लीज। सच बताऊं तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपने बच्चों की। समझ में नहीं आ रहा मैं उनके बगैर कैसे रह पाऊंगा। तुम्हारे बच्चे भी हैं दुरुक, तुमने बताया नहीं। शादीशुदा हो तुम? हाँ शादीशुदा था, लेकिन मेरा डिवोर्स हो चुका है तीसरे बच्चे के बाद। मेरे लिए दुनिया एक तरफ और मेरे बच्चे एक तरफ। दुरुक, कितने सारे बच्चे हैं? सिर्फ 3 हैं। टिंकी बिंकी, लाला और डीपो। दिप्सी भी होगी? कैसा मजाक है दुरुक? मजाक ही तो है, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है दुरु, समझ गए ना? ठीक है असली, झूठ सा। वैसे इस सब के लिए सॉरी, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी जब मैंने 3 बच्चे कहा था। बस यही टॉपिक मिला।